चैंपियनशिप 2024 का फर्स्ट सेशन सीजन का फाइनल आज होने जा रहा है पैराडाइज संजक और फीजा ग्रुप संजक के बीच में। दोनों ही बहुत ही अच्छे टीम, तो उम्मीद है कि एक अच्छा फाइनल दर्शकों को जरूर देखने को मिलेगा। और जितने भी एक्स्ट्रा जो लोग बैठे हैं ग्राउंड में, प्लीज वो जितना जल्दी हो सके ग्राउंड को खाली करें, प्लीज ग्राउंड के अंदर नहीं जाए, प्लीज गाड़ियों को यूनिफॉर्म में तैयार करके ग्राउंड के अंदर लेकर आए प्लीज। आज फाइनल डे है, फाइनल मैच, और जितने भी दर्शक और खिलाड़ी जो कोई इस खेल का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे तस्वीर ला चुके हैं सबका, और कमेंट्री बॉक्स में जितने भी मेहमान के रूप में और सहयोगी कमेंटेटर मेरे साथ हैं सबका स्वागत करते हैं। हल्की हवाएं हैं और बादल मिस्टर अमजद और मिस्टर मूसा और पिच की ओर बढ़ते हुए और पिच में खिलाड़ियों के अलावा भी दर्शक और जितने भी मेहमान आएंगे हम सबके सहयोग से ही हम इसको कामयाब बना सकते हैं। रक्षा के बैनर तले पूरे सब डिवीजन के स्पोर्ट्स पर्सन को सभी प्लेयर्स को एक ही छतरी के नीचे ला करके स्किल पे जितम ठाच मेहमान कक्ष की ओर और उनको खतक के साथ स्वागत किया है ऑर्गेनाइजर ने। रक्षा के प्रेसिडेंट मिस्टर शमीम साहब मेंबर से उन्होंने साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट फॉर्मर ईसी रक्षा मंत्री साहब और सिटिंग काउंसिलर आज के चीफ गेस्ट दोनों ने खिलाड़ी जिन्होंने सभी टीमों को मात देते हुए आज इस ट्रॉफी के लिए और रिक्वेस्ट करेंगे कि गेम स्पिरिट को बरकरार रखेंगे, शांतिपूर्वक आज के इस दिन को अख्तिताम तक पहुंचाएंगे। सभी खिलाड़ियों से हम बहुत ही विनम्रता के साथ आप लोगों तो सही तंज
स्टंप्स को कवर किया अर्जुन साहब ने, गेंद निकल गई विकेट के पीछे और आपका एक और चांस दूसरी गेंद के साथ मोशन चार्ज स्ट्राइकिंग एंड पर है हमारे और बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमें लगता है कि हमारे रजनी साहब भी खेले हुए लगते हैं। जिस तरह का शॉट इन्होंने खेला जो दिशा दी आप गेंदबाजी के जरिए मोहसिन साहब के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रहार करते हुए मोहसिन साहब, लेकिन गेंद कहीं और बल्ला कहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। इस गेंद साहब एक और चांस दे रहे हैं मोहसिन साहब को एक ही हाथों के जरिए ऑन साइड में और खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ऑनरेबल काउंसलर जिनको गेंद करने के लिए और स्टेट में खेल रहा फोटो जो में इसी के साथ ही मेहमान ने अच्छे से सजावट किया हुआ है। कमसा और आप दो बातें बोलेंगे और उससे पहले एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो दो सालों से पिछले दो तीन सालों से यहाँ पे बाहर के बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं बाहर सिटी में आकर जो इस मैदान के अंदर खेल रहे हैं सब डिविजन सदर चिकन के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी एक इशू हमारा एक डिस्कशन भी हुआ था कि ये सब डिविजन के प्लेयर्स में लिमिटेड रहना चाहिए, ग्राउंड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा यही फैसला था कि हमारे सब डिविजन के प्लेयर्स को एक्सपीरियंस के लिए उनको ताकि पता चले यार्ड में कैसे खेल रहे हैं, बाहर के अच्छे अच्छे प्लेयर्स को कैसे फेस करें, इस एक्सपीरियंस का हमने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा हमारे प्लेयर पे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया था। और बाहर से आप जानते हैं बहुत ही जैसे न्यू एयर एयरप्लेन जैसे बड़े सामने जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा टूर्नामेंट है और ये सफर का जो टूर्नामेंट है उसमें जो मैंने बचा है वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि काफ़ी सालों से हम प्ले में भी ट्रैप में ज़्यादा खेल रहे हैं, इससे पहले दो टूर्नामेंट मैंने मेट में खेला था उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इम्प्रूवमेंट में बहुत ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ करना चाहूँगा और ऐसे उम्मीद करूँगा आगे भी इस तरह के लिए टूर्नामेंट हो। और जहाँ तक अभी बात कर रहे थे कि बाहर के आते हैं तो कैसा लगा करके अभी काफी साहब से पूछा था तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा अगर बाहर से अगर प्लेयर आते हैं तो यहाँ के लोकल्स के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो मैं भी चाहूँगा यही सजेस्ट करूँगा कि अगर बाहर से भी प्लेयर्स आके खेलते हैं तो यहाँ के लोकल के प्लेयर्स बहुत अच्छे बनेंगे आगे के लिए। टॉस अगर जीतता है तो आपके आपका डिसीजन क्या होगा, अगर बैटिंग होगी तो स्कोर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टॉस अभी हुआ नहीं और शायद मेरी तरफ से मैं बता नहीं पाऊंगा अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर टॉस जीत गया अगर आप यही सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं थोड़ा बेहतर तरीके से बोलूंगा। तो बाकी इस साल बहुत ही अच्छा खेला हमारी टीम ने, जो बाहर सामने प्लेयर आए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए, तो आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा कंपटीशन देंगे, जो अपोनेंट टीम है बहुत ही टफ टीम है, हमारे लड़के थोड़ा उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल के यहाँ तक पहुँचे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे स्पेक्टेटर्स को हम अच्छा यहाँ पर कंपटीशन देंगे, उनको एंजॉय कराएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे?
आप इस पूरे टूर्नामेंट के हवाले से और आज के दिन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? रक्षा और फैन चिंतन का एक मोटो रहा है कि चिंतन सदन को एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक मंच दिया जाए, और ये पहली हमारे अटेम्प्ट है और इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कामयाब रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे विजिटिंग कैप्टन फजा साहब ने यहाँ पे तारीफ किया। ये अभी फिलहाल स्टार्ट है और हमारे काचे साहब और बाकी मेंबर्स की अनथक मेहनत और कोशिश के बाद यह सब पॉसिबल हो पाया है कि यहाँ सफरचित्तन मोहन ने कोशिश की एक हब बनाया जाए यहाँ पे, जैसे सफरचित्तन ले और कारगिल उभर के आए। इसी टूर्नामेंट में हमने देखा कि हमारे बिल्कुल नए नए लड़कों ने ऐसे सीनियर खिलाड़ियों के अपोजिट करते हुए अच्छे परफॉर्मेंस दिया, यह हमारे कोशिश का सबसे बड़ा फल हमारे लिए यही है। और आज के मैच में भी हमारे यहाँ पे कुछ जुड़ा खेल रहे हैं और सीनियर्स के साथ खेल रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा इंशाल्लाह रखना। फाइनल में अपना जगह मजबूत कर लिया, आज फिर से देखेंगे रिजिन के लंबे शॉट्स और उनके साथ ही जो मेंबर हैं मिस्टर महबूब। अतिरिक्त रन के रूप में इसी 4 रन के साथ टोटल स्कोर 20.25 ओवर में अमीन अंबिक 7 गेंदों का सामना किया अभी तक और 2 रन, जीशान अली अभी तक खाता नहीं खोला है, 3 गेंदे खेल चुके हैं जीशान। अपनी पूरी जी जान लगाकर अपने आप को ड्राइव किया था एक्स्ट्रा कवर और कवर की दिशा में फील्डर मौजूद थे, आगे की तरफ दौड़ करके कैच किया और यहां अमीन अंबेक को पवेलियन करा दिखाया, दूसरा झटका दिलाता हुआ फिसा ग्रुप को। नया बैट्समैन अजगर स्ट्राइक पे क्या कर पाते इस गेंद पे, उसके हाथ से उसको खेल दिया कवर पॉइंट की दिशा में हुआ, फील कर लिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, ओवर नंबर 4 चल रहा है और प्ले का चौथा ओवर चलता हुआ 30 गज के अंदर खिलाड़ी सभी तैनात, सिर्फ 2 खिलाड़ी को बाहर रहने की इजाजत, छोटी रनअप के साथ 13 नंबर के जर्सी में ये पंकाइट अच्छी गेंदबाजी करता हुआ की सजावट करता हुआ यहाँ पे शानी मंजूर लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं वहां पे, एक और रन मिलता हुआ यहाँ पे फिजा ग्रुप को, जो ताबड़तोड़ ओपनिंग हुआ करता था फिजा ग्रुप का, दोनों खिलाड़ी आउट होके डगआउट में और गेंद एक छक्का और एक चौका मारा था, ऐसा लग रहा था कि आज बहुत अच्छे मूड में है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कर पाए अमीन बेग जो क्लास जाने जाते हैं।
तेज थमा बेटे, अच्छी गेंद, स्ट्रेट खेल दिया वहां पर रन आने का खतरा, यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होता है दोनों और इंटरसेप्ट करता है यहां पे इंटर के इशारा, नो डाउट। हल्के हाथ से खेल दिया, फॉलो थ्रू में फील्डिंग करता हुआ सैयद अख्तर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी करता हुआ अभी तक सैयद अख्तर, पहले ओवर में विकेट लेने में कामयाब सैयद अख्तर, यहां पे इंप्रेस करता हुआ दर्शकों को, बहुत माना जाता है सैयद अख्तर को डिस्ट्रिक्ट करगिल में। स्लोर वन यहाँ पे फेंकता हुआ, कॉर्न की स्थिति में अपील किया और रन आउट होने का खतरा, लेकिन सही स्टैंड पे पहुंचे नॉन स्ट्राइकिन पे, कोई रन एक रन लेने में कामयाब, कोई नुकसान नहीं यहाँ पे। सैयद अख्तर की जितनी तारीफ करें, हम सैयद अख्तर का फैन है क्रिकेट में, लंबे लंबे छक्के मारने में जाने माना जाता है, बहुत सारे इनिंग देखे हमने सैयद अख्तर का करगिल में, लो रहती हुई कैन इसको पुल करना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए, कीपर के दास्तानों में जाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 9.5 ओवर इन प्रोग्रेस, 20 ओवर के इस गेम में ये 10 ओवर चलता हुआ, इसके बाद ड्रीम स्टोली जाएंगे, नहीं जाएगा हल्के हाथ से खेलते, इसको पॉइंट की दिशा में फील्डर फील कर लेता, थ्रो मारता है, करने में कामयाब दोनों बैट्समैन। तो जिशान गिनू ने यहाँ पे सेंचुरी इससे पहले भी मारे हैं, तो उनकी बैटिंग देखने में हम बहुत आनंद फील कर रहे हैं, और कुछ बैट्समैन भी हैं यहाँ पे जिनका नाम लेना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये जो बैट्समैन है माने जाते हैं पूरे यूटीज में, जिशान की बात करें, फिदा की बात करें, ऑर्गन की बात करें, अमीन बेग की बात करें, महबूब की बात करें, महबूब अभी आना है, हल्के हाथ से जो खेल दिया है लेग साइड में, जब तक फील कर लेता है एक रन लेने से नहीं रोक पाए, शॉर्ट लेग के खिलाड़ी ने फील किया लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए, एक रन का इजाफा कर दिया, पुल करने की कोशिश जरूर की लेकिन ग्लव से टकराता हुआ, टाइम नहीं कर पाए। जिशान एक बार फिर से आप सामना करेंगे पहली बार अबुल कासिम नामी खिलाड़ी, देखना होगा यहाँ पर पुल शॉट खेलने की कोशिश लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, बॉडी से मार्क पर से दौड़ना शुरू किया है छोटे कदमों के साथ, लंबा रन उठाकर खेलने की कोशिश, भारी किनारा लेता हुआ, देखना होगा, और एम्पायर ने अपने दोनों उंगलियों को ऊपर किया, 6 रन का इशारा अबुल कासिम। एजाज के पास आप कुछ कहना चाहते हो इस टूर्नामेंट के बारे में, इस फाइनल के बारे में, कुछ आप किसके सपोर्ट में हो ये बताना चाहते हो आप? आजीज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी इस वक्त मैच का आनंद ले रहा हूँ, यहाँ पे दर्शकों की तादाद काफी बढ़ चुकी है, यहाँ पर तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब दर्शक पहुँच चुके हैं, तो मैं तो यहाँ पे जो सपोर्ट में हम यहाँ पे बैठे हैं, तो इंशाल्लाह काफी यहाँ पे तकरीबन 3-4 विकेट यहाँ पे ले चुके हैं, तो सैयद अख्तर ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे आज जरूर किया, आप जल्दी जल्दी यहाँ पे कम से कम 1-2 विकेट और यहाँ पर लेने होंगे, तो इस मैच को जीतने के लिए थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि जो अपोजिट टीम जो है फिजा ग्रुप का काफ़ी टीम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खिलाड़ी हर एक खिलाड़ी 11 जो है काफ़ी सीनियर खिलाड़ी यहां पर तजुर्बेकार खिलाड़ी है, हमारे यूटी लेवल की टीम है शायद मेरे हिसाब से यही। लुत्फ उठाने के लिए आप पूछेंगे हमारे पीएसके के कैप्टन से कि आप किसके फेवर में हो और कौन जीतना चाहिए यहां पे? दोनों टीम अच्छे खेल रहे हैं और हमारे देश भी दोनों टीम के लिए उम्मीद करते हैं कि आज हमें अच्छे क्रिकेट देखने को मिले और मेरे बेस्ट विशेस, थैंक यू। हार्ड डाई हार्ड फैन हमारे संजक से यहाँ पे हमें मिले हैं, बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि संजक की टीम के साथ हमें से चलते आ रहे हैं, एक और वाइड बॉल खराब दिशा से बढ़ के, तो आपसे पूछेंगे कि आप किसके फेवर में हो और आपको कौन लगता है कि इन दोनों टीमों से डिजर्विंग है? वैसे तो सर मैं संजक से हूँ, दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेल रहा है, दोनों ही टीम का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ,
दोनों टीम का मैं सपोर्ट करता हूं सर। वैसे संजक जो पैराडाइज टीम है वो उसका मैं फॉरवर्ड प्लेयर रहा हूं, तो पैराडाइज टीम का ही सपोर्ट करूंगा थोड़ा ज्यादा। गुलबहार सर और एक रन का इजाफा कर दिया। हेलो दो रन जिशान अली का जाती स्कोर और टीम का स्कोर 131 चार विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की गति 9.25 और 14.1 ओवर। सही दिखती बहुत आगे निकल कर खेलना चाहते हैं, फिगर मौजूद है देखना होगा, लेकिन एक और जो आंदन मिलता हुआ अबुल कासिम को। यहाँ पे और एक मशहूर प्लेयर हमारे बशीर मिलता हुआ यहाँ पे, तो बशीर साहब आप बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हो इस टूर्नामेंट को, कैसा फाइनल रहेगा और आप कौन से आप चाहोगे कि कौन सा टीम जीते यहाँ पे, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चला है यहाँ पे फ्रेंड्स चिकन ने और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पे सुरख को ला के जो तमाम क्रिकेट शाखीन है हमारे ब्लॉक के उनको दे दिया, तो उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम भी एक टीम में पहले खेले थे, अनफॉर्चुनेटली हम पहले ही हार गए, बट अभी यहाँ पे आज का फाइनल बहुत ही अच्छा फाइनल हो रहा है, दोनों टीम बहुत कंपिटेटिव लग रहे हैं। बट पर्सनली मैं पैराडाइज संजक को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक फॉर्मर प्लेयर रहा हूँ उनका, और देखें तो फिजा ग्रुप का थोड़ा बॉलिंग लाइनअप कमज़ोर लग रहे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे पैराडाइज संजक एक्सप्लॉइट करेंगे और होपफुली पैराडाइज संजक जीतेंगे ये मैच। थैंक यू। बहुत सारे लोग पैराडाइज संजक के यहाँ पे स्पेक्टेटर्स लाए हैं, पैराडाइज संजक जीते बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन फिजा ग्रुप भी कम नहीं है। तो ये हमारे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। 169 वहीं पर पैराडाइज रोकने में नाकाम, दोनों बल्लेबाजों को देखना होगा। पहली गेंद बाहर उठाकर खेलना है नोमोन की दिशा में और दो रन के लिए बड़ी आसानी के साथ दौड़े, तीसरा रन दौड़ते हुए तीन रन कंप्लीट किए इस गेंद पर। बहुत ही अच्छी रनिंग और अच्छी साझेदारी, अच्छी सूझबूझ, जितनी तारीफ की जाए कम दोनों की। लगातार गेंदबाज और फील्डर्स पर प्रेशर बनाते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। 168 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 17.1। अबुली के लिए गेंदों कलम आगे निकल कर खेलने की कोशिश, भीड़ होता हुआ सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल घुमा दिया है, पैर हाथ से छूट गया वहां पे। शायद पैरों में कुछ गड़बड़ होता हुआ यहां पे अबुली का थोड़ा सा लंगड़ाते हुए यहां पे महबूब
ये फुल टाइम गेंद और इंपैक्ट देखना चाहेंगे इसको, पता है हाई था इंपैक्ट का इशारा। खसात वजाहिद गेंद करेंगे महबूब के लिए, इसको घुमा दिया है लेग साइड में लोगों ऑफ द टॉप, वहां पर फील कर लेता छह मारते दो रन लिया वहां पे। अब रन चुरा है, रन चुरा रहे हैं हाथों से, रन चुरा रहे हैं क्योंकि लास्ट के अभी एक ही वजाहिद की महबूब के लिए स्लो रन, महबूब को यहां पे चकमा दिया वजाहिद ने। इसको खेल रहा है, क्या रन है अभी, वाह जा हट, आखिरी गेंद, इनिंग का आखिरी गेंद, खत्म करता हुआ अभी इनिंग को छह रन के साथ स्कोर हुआ है। मैं कुछ नहीं सकता, 208 रन के टारगेट मिला है यहाँ पे, लेकिन ये हमारा देखता नहीं, किसी और का देखता रहता है। थोड़ा मुझे, मैं शुरू से कोशिश कर रहा हूँ, इस नाम का मतलब क्या है, शाइनी है या शाइनिंग है या शनि है, शनि तो बहुत खराब नाम है, मुझे लग रहा था कि शनि है क्योंकि पावर प्ले में जैसे फिजा का जो विकेट गिरा था और ऐसा फिजा बनाया था, मुझे लगा था कि शनि का प्रकोप चल रहा है, विकेट के पीछे शनि बैठा हुआ है, लेकिन फिर कोई बंदा आया यहाँ पे, उन्होंने दुरुस्त कराने की कोशिश की, नहीं शाइनी है, पर अभी मुझे बोलने में थोड़ा सा अजीब, तो मैं प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ, ये नाम एक्चुअल है क्या, बहुत सारी उसे भी कोशिश कर रही है। ट्रॉफी का यहाँ पे डिस्प्ले होता हुआ, चार क्रिकेट ट्रॉफी, खूबसूरत ट्रॉफी सबको डिस्प्ले। अलॉन पे 2-1 में 86 रन, दो विकेट के नुकसान पे। अच्छी फील्डिंग, जब तक फील्ड कर लेता थ्रो मारता है, खेल रहे हैं यही स्कोर सेम स्कोर फिजा गुरु का भी था, जब बड़ा ओवर चल रहा था 88 रन था, दो विकेट के नुकसान पे, चार विकेट के नुकसान पे सॉरी, तो रन की जब कोई चिंता नहीं, लेकिन खेलना चाहिए लास्ट तक, कर करके पॉइंट कर देता, जानू खेल दिया है पैर के इशारे देने, बराबरी पे खड़ा है, लास्ट बॉल टू फेस करने की जरूरत है, और दोनों खिलाड़ियों को सूझ बूझ वाली बल्लेबाजी यहाँ पे करने की जरूरत है, फिलहाल सिशन स्ट्राइक पर पास राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ी सी ओवर पिच वहां पे हल्की सी गेंद भी निकल जाए लोगों की तरफ, एक रन आउट कर पूरा गया लोगों बैट्समैन, और इस एक रन के साथ स्कोर की संख्या बढ़ता हुआ जी 93 93 रन, दो विकेटों के नुकसान पर फिलहाल लास्ट बॉल टू फेस का सामना करेंगे, फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन यहां पे, हल्की सी ऊपर गेंदबाजी की थी जिसको टैप कर दिया, थर्ड मैन मूवी से बाहर गेंद निकलता हुआ, वहां पे अच्छी फील्डिंग, दोनों बल्लेबाजों ने दूर कर एक रन पूरा किया, खूबसूरत वहां पे एक रन कर चुके हैं, 15 रन कंसीड किए, तो अपने अगली दूसरी ओवर की पेगी करेंगे, अच्छी गेंद इस बार गुड लेंथ से थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ बाहरी किनारा, लेकिन नो मैन्स लैंड में जाके गिरता हुआ, कोई नुकसान नहीं कोई खतरा नहीं,
अच्छी गेंद, अच्छी गेंद के साथ अपने मोड़ की शुरुआत यहाँ पे करता हुआ मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से जो कि सर्कल के अंदर था चार रनों के लिए। इस चार रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98 दो विकेटों के खोने के बाद और गेंद एक बार फिर खूबसूरत शॉट हवाले गेंद छेल फिर उसी दिशा में कलाइयों का जबरदस्त प्रयोग यहां पे सईद इफ्तिकी के द्वारा खूबसूरत फेंक वहां पे बल्ले के बीचों बीच सौ रन मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे पैराडाइज संचक का 104 रन दो विकेटों के खोने के बाद बोल्ड बोल्ड बढ़िया यार सईद इफ्तिकार जगह लेने आए खान हसन चल लगते हैं तमने कुछ बस भरपाई की तरह से करते हैं तमने कुछ बस नहीं थे नुकसान की भरपाई की तरह से करते हैं सीधा सीधा जीवता खान हसन हमने बोल जो मुंह में खतरे लो मलुस बोल दो लोग जो बच्चों ने तमने कुछ बस नहीं तरह उत्साह से बढ़ गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लेने के बाद यॉर्कलैन की गेंद थी अंतिम समय में पल्ला लगा और चार रन खान हसन एक शानदार चौका लगाने के बाद छोटी गेंद थी और हल्का से कट कर दिया खूबसूरत चौकेंगे और शॉर्ट फॉर्मेट के खिलाड़ी ने यहाँ पे शॉट लेग फील्डर के सर के ऊपर से चार यहाँ पे की बाउंड्री के ऊपर लंबा छक्का स्वागत किया यहाँ नवाज का छक्के के साथ शॉट लेग की बाउंड्री और है नीचे नीचे में गेंद थी गिरफ्तार में जाता हूँ ये शॉट पॉइंट की दिशा में चार रन के लिए काफी तेज शॉट दिए तीन गेंदों में Yeah! 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 Ye
बनाएंगे गेंदों पे 31 रन, 11 गेंदों पे 31 रन, एक गेंद की दूसरी बॉल। जाए उतनी कम, बहुत कम गेंदों पे 10 गेंदों पे 36 रन बनाए, 4 गेंदों में 1 रन चाहिए और गेम का बिल्कुल हालात बदल दिया हुआ जहां ने यहां पे। मंजूर शाइनी प्लीज, मंजूर शाइनी प्लीज कोऑपरेट कर रहे हैं, मंजूर प्लीज, बड़े पुराने खिलाड़ी हो, कैप्टन हो प्लीज। बॉल बचना, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। काफी अच्छी फाइनल यहां पे घटता हुआ, अब तकरीबन 99% यहां पे ओलैंड दिखा रहा है कि प्रणय संजक जीत रहा है, 1% अभी भी चांस है कि फिजाइल ग्रुप जीते, 1 रन चाहिए यहां पे जीतने के लिए 4 गेंदों पे। हालात बदल दिया, जज्बा बदल दिया यहां पे, खूबसूरत नजारा। क्या ये सुपर ओवर होगा इस फाइनल में? विकेट से सर सुजी का पहली बार इस टूर्नामेंट के आखिर में देखना होगा। फिलहाल रियास नया बैट्समैन, अच्छी गेंदबाजी यहां पे अब्बास के द्वारा। बिल्कुल टेस्ट मैच का नजारा यहां पे, सारे फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के अंदर। आखिरी गेम तक, आखिरी लम्हों तक कुछ नहीं कहा जा सकता और तारीफ की जानी चाहिए बल्लेबाजों की, पैराडाइज संजक के बिल्कुल एक समय में लगा था ये। अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, एक तरह का दो बड़े टीमों में इसी को कहते हैं। इस मैच में फाइनल में हमने मैच ओवर की देखा, लेकिन वजह
जैसे खिलाड़ी अंतिम समय में गेंद को पकड़ते हुए दिखे गए। प्रयास रहे हैं इससे पहले मैं सभी खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा बहुत कम समय हमारे पास है, जल्दी से जल्दी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और इससे भी ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा लोगों का टाइम नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे जेम साहब भी है और दूसरे से भी है, ज्यादा लोगों का टाइम न लेते हुए एक बार फिर दोनों टीमों को कप्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद और फ्रेंड से कंडीशन साहब और बाकी पूरे ऑर्गेनाइज टीम मेंबर को है बहुत बहुत मुबारकबाद। थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से फ्रेंड सिस्टम को जो है अपने यहाँ पे बुलाया तो थोड़ा सा आपको मेरी अपनी तरफ से सलाम हुआ है तो आप बात भी जो है करें और बहुत शुक्रिया सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू सर समय निकालने के लिए और आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद माइक में सुनता हूँ हमारे जेबीओ साहब को सर प्लीज। जिसका हेड है या सदारत कहें काचू शमी, एक प्रपोज एसोसिएशन के माध्यम से इस टूर्नामेंट को चलाया है, उनको सहयोग किया था फ्रेंडशिप ने और इसका मकसद था रक्षा इन्होंने नाम रखा है और इनका एक मकसद खास मकसद था इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का पूरे ब्लॉक के आने वाले समय को लेकर के पूरे ब्लॉक में बाकी गेम्स को भी आगे लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने का। तो मैं काचू शमी साहब को माइक सुनता हूँ, सर आप बिस्मिल्लाह
आज के मेहमान ऑनरेबल काउंसलर और इन्होंने ये इनाम जो ओपन किया है वो बजाना है हाईएस्ट विकेट टेकर के लिए इरफान कायक पैराडाइज। इरफान कायक नाम है और टीम का नाम पैराडाइज है, खुद का लकब कायक है। यहाँ पर आएंगे हमारे अपने से नाम तकसीम करें सर प्लीज। जीशान सॉरी हमीम बेग फिजा कुतुब, बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच महबूब अची। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सॉरी ईशान फ्रॉम फिजा कुतुब। टूर्नामेंट मैनेजमेंट मेंबर इफ्तिखार आएंगे और हादिम आएंगे। इसके लिए मैं हमारे पुलिस फोर्स के और हमारे खिलाड़ियों को इफ्तिखार और हादिम के लिए मैनेजमेंट इनके जिम्मेवारी थी। इन्होंने पूरा ये जो सीजन ये सीरीज था इसको संभाला है इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके बाद बहुत तकलीफ हुआ हर जगह, बॉल जब घूम जाते थे तो उसी को दौड़ना पड़ता था हर जगह। बॉल बॉय के लिए आए इमरान इमरान नोमेंटा। Yes,
इसके बाद हमारे फॉर्मल इसी स्पेशल गेस्ट मोहसिन साहब से गुजारिश कर रहे सर आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा याद रखेंगे और उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का हमें सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद किंग कंस्ट्रक्शन शक्कर से किंग खान कंस्ट्रक्शन के ओनर या कोई भी शक्कर का कोई भी बाशिंदा यहाँ पर हो तो आप कोई भी आ सकते हैं। इसके बाद बेल कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी लड़का आया यहाँ पर लेकिन ना जो सबसे पहले रनर अप टीम के अब्बास आएंगे अपना खतक लेकर जाए मंजूर अब्दुल कासिम महबूब अजी और जुल्फी और यहाँ पे तस्वीर हमारे
और सारे मेहमान को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरा टूर्नामेंट को चलाया और उनका ये पहला टूर्नामेंट था, बहुत मजा आया था। और टूर्नामेंट हमने मेरा ये तीसरा यहाँ पे हो रहा है, तीन साल से आ रहा हूँ और ये फ्रेंड्स की तरफ से ये फर्स्ट टाइम एस्ट्रो टर्फ पे खिला रहे थे, तो ये बहुत बड़ा है इनका वो क्या बोलते हैं इनका ये इनिशिएटिव था, तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कुछ मैचेस में उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, कि दर्शकों की वजह से हम मैचेस पाते हैं। आज मैं देख पा रहा था कि मेरे संजय के बहुत सारे दर्शक हैं, उनकी आंखें में उत्साह सही थी और वहाँ से वहाँ गेम पलट गया ऐसा मुझे महसूस हुआ, तो दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारे फैंस रहे और पैराडाइज को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने बेहतर खेला हमने और हर किसी हमारे टीम से चूक हुई जिसके कारण से आज हम आपका सामने पड़ा, और इसका एक मेन मेरे को जहाँ तक लगता है कि हमारा जो मेन कप्तान था वो बीमार हुआ और वो नहीं आ पाए गोले में, ये हमारी बदनसीबी हुई कि कप्तान यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। उनका बड़ा योगदान रहता है पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, किस तरीके से उन्होंने मैच को जिताया आप सब जानते हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट मैच को आपने डिफेंड किया, 130 रन हमने बनाए, 130 रन को हमने बनाने नहीं दिया, उसमें हमारे कप्तान अली खान का बहुत बड़ा रोल होता था, आज वो नहीं आ पाए हमें उनकी कमी का महसूस हुआ। और हमारी टीम ने आज जो खेला जैसे ईशान अली और अबूदी का जो पार्टनरशिप 119 फाइनल के मैच में मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप था, और मेरा यकीन था कि 200 रन हम बनाएंगे पहले अगर बल्लेबाजी करेंगे, तो हमने 200 रन बनाया था तो हमारे लिए ये काफी अच्छा स्कोर था, लेकिन हमसे भी अच्छा खेला पैराडाइज और आगे में का इंतजार, जो कि उन्होंने भी हमें बहुत मेहमान नवाजी की चौधरी के एफएम में, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, हम पूरा ईसा ग्रुप के प्लेयर्स का बहुत शुक्रगुजार है उनका इंतजार का। साथ ही साथ हमारा मेन स्पॉन्सर काइजर ईसा ग्रुप के काइजर का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस होने नहीं दिया, किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया काइजर सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट फ्रेंड्स चिकन चैंपियनशिप स्पेक्टेटर्स मैच पेमें ऑर्गेनाइजर शमीम सर ऑर्गेनाइजिंग टीम शमीम सर कोऑर्डिनेशन फ्रेंड्स चिकन चैंपियनशिप सवाल सर मुसा साहब यहाँ शुक्रिया अस्त है दिल
ਜਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਬੋਸ ਇਸ ਜਿਹਾਜ਼ਾ ਤਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਤੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਚਾਮਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਲੂਜ਼ਰੇ ਤੇ ਖੁਸੂਸਨ ਨਾ ਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਗੋਮੇ ਕਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇ ਜਿਮ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਜਿਮ ਸਰਵਿਸ ਭਰਪੂਰ ਨਾ ਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਕ ਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਮੋਜ਼ਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਕੇ ਨਾ ਚੀ ਸਪੋਰਟ ਬਸ ਦੋਨਾ ਨਾ ਚੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾ ਚਾ ਸਪੋਰਟ ਬਸ ਬੰਤੀ ਮੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਚਾ ਮਦਦ